मध्य प्रदेश से मिल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बने हैं सुरेश पचौरी, लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं सुरेश पचौरी। तो सुरेश पचौरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी पचौरी को दी गई है, लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी के रूप में अब सुरेश पचौरी। प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर व्यवस्थाएं भी देखेंगे, राजनीतिक मैनेजमेंट की भी कवायद तेज होती जा रही है। सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हैं। सुधीर, पचौरी को ये बड़ी जिम्मेदारी, सियासी हलकों में किस तरह की चर्चा थी और ये जिम्मेदारी मिलना, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? सुधीर, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहे संवाददाता से। तो सुरेश पचौरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सुरेश पचौरी। एक अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, इनकी एक अपनी लोकप्रियता है, एक अपना जनाधार है। कांग्रेस में भी इनकी अच्छी खासी पूछपरख है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं सुरेश पचौरी। अब देखना है कि चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद किस तरह से लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाते हैं, क्योंकि 29 सीटें हैं और 29 सीटों में कांग्रेस ज़्यादातर सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिनमें से बहुत से ऐसे गढ़ हैं जो बीजेपी के कब्जे में हैं, बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनौती कांग्रेस को हमेशा बीजेपी देती आई है। ऐसे में सुरेश पचौरी क्या कमाल कर जाएंगे, ये देखने वाली बात है। राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। राकेश, सुरेश पचौरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके और किस तहत ये पूरी जिम्मेदारी दी गई उनको? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो जो सुरेश पचौरी है, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और खास तौर पर जो सबकी जो नजरें हैं राजधानी भोपाल में लगी हुई है और सुरेश पचौरी है राजधानी भोपाल के साथ पूरे मध्य प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं। अभी तक जो मध्य प्रदेश के प्रभारी बने हुए हैं दीपक बावरिया हैं, हालांकि जो पूरी चुनाव की प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन का काम खुद चीफ और सीएम जो है कमलनाथ संभालते हैं, लेकिन सुरेश पचौरी को लोकसभा का जिम्मा सौंपा गया है, उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। साफ तौर पर बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जो सुरेश पचौरी हैं सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ लगातार दौरे पर हैं और ऐसे में उनको चुनाव की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही जो तमाम दिग्गज नेता हैं, हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा की तर्ज पर जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी जो अलग अलग ध्रुव से दिग्गज नेता थे उनको एकजुट किया था, तो यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति में देखें तो दिग्विजय सिंह हैं वो खुद राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही सुरेश पचौरी जो कि अभी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद पर नहीं थे, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव का इंचार्ज बनाया गया है, तो हम देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है, विवेक तनखा की बात करें, फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं लेकिन उनको भी जो है जबलपुर से टिकट देने के कयास चल रहे हैं, तो ऐसे में पूरी टीम है वो पूरी एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन देखेगी। तो सुरेश पचौरी को कोई ना ही तो उनका किसी तरह का नाम था चुनाव में लड़ने में और ना ही जो है किसी तरह की वो भूमिका में थे, फिलहाल उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, तो हम कह सकते हैं कि टीम कमलनाथ मध्य प्रदेश में विधानसभा की तर्ज पर जो परिणाम देने के लिए पूरी कवायद की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी जो है प्लानिंग फिलहाल की जा रही है। सुरेश पचौरी को फिलहाल जो है महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और उन्हें मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव को प्रभारी बनाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बने हैं भोपाल समेत मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के सुरेश पचौरी, जिनके अपने दावे और जनाधार भी उनका अलग देखा जाता है। सवाल ये है कि क्या सुरेश पचौरी आपसी गुटबाजी और अंदरूनी कलह को भांप कर लोकसभा चुनाव में ये जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है इस पर खरे उतर पाएंगे, क्योंकि पिछले बार 29 सीटों में से 27 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में ली थी और अब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में है तो सुरेश पचौरी को ये महती जिम्मेदारी देना कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात है।